नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र न्यूज़। मैं हूं आपके साथ प्रवीण, और आज हम बात करेंगे देश में बढ़ती गर्मी के प्रकोप के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और साथ में ही गर्म हवाएं भी अपने जोरों शोरों पर हैं। ऐसे में जो मौसम विभाग है उसने अलर्ट जारी करा हुआ है, और कल यानी रविवार को जैसा कि दिल्ली, खास करके दिल्ली राजधानी जो है, वहाँ पे कुछ इलाकों में तापमान 49 डिग्री के पार भी रहा। अब ऐसे में देखना है कि कब तक ये गर्मी हमें राहत पहुँचाती है, इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कई दिनों से उत्तर भारत में लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को दिन में गर्मी और लू की मार तो झेलनी पड़ती है, वहीं रात में पावर कट का भी सामना करना पड़ता है। अगर दिल्ली की बात करें तो रविवार को दिल्ली का तापमान आसमान छूता हुआ दिखाई दिया। यह इस साल का अब तक का सबसे अधिकतम तापमान था। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को दिल्ली के नजफगढ़ का तापमान 49.1 था। वहीं दिल्ली के उत्तर पश्चिम मुंगेश में तापमान 49.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली में गर्मी को लेकर ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा में भी तापमान 48 डिग्री तक रहा। पंजाब में मुक्तसर में अधिकतम गर्म मौसम रहा, जहां दिन का तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हरियाणा के हिसार में अधिकतम तापमान 47.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस बीच मौसम विभाग ने मंगलवार को दोनों राज्यों में भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटे के दौरान मौसम शुष्क होने की संभावना है, जबकि अगले 48 घंटे में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने के अनुमान है। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में ये गर्मी कितनी राहत हमें पहुंचाती है। जैसा कि मौसम विभाग ने भी चेताया है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में बारिश की संभावनाएं हैं, और साथ में ही आंधी और तूफान भी आ सकते हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि देश के लोगों को गर्मी से कितनी जल्दी राहत मिलती है।